लो भाई आप सभी को एक खुशखबरी देने वाला हूँ, और ये चेक करो बॉयस, अभी अभी हमारे इंस्टाग्राम पे 5 लाख फैमिली मेंबर हो चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। बिग फैन। अरे यार कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा बिग फैन मत बोलो यार, तुम्हारा वीडियो देख के आया यार। बॉयस इस यात्रा के 30 रुपए स्टेट में आप सबको स्वागत है भाई, अपन एंटर हो चुके हैं बिहार। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, असम टू अमरनाथ सीरीज के और एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबको स्वागत है। ये रहा मेरा साइकिल, अभी साइकिल को पैक करूंगा, और सुबह सुबह मैंने अपने साइकिल पे और एक चीज इंस्टॉल किया, अपना देश का झंडा। ये जब लहराएगा ना दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा। आगे तो 2 लहराता ही है, लेकिन मुझे एक चीज़ मिसिंग हो रहा था, मैं इतना दिन राइड कर रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था कि अपने को पीछे भी एक लगाना चाहिए जो कि ऐसे जब मैं चलाऊँ ना ऐसे लहराते हुए जाए। पैकिंग हो चुका है मेरा, रोज़ की तरह इसका लेट होता है, क्या करे भाई आलसी बंदा है। इसको मैंने पहले बोला था तो जल्दी उठ जा, जल्दी पैकिंग कर ले, बारिश की वजह से जल्दी नहीं उठ पाया वो तो मानता हूँ, आज मैं भी लेट उठाऊँ, बट इसको जल्दी पैक करना चाहिए था। इतना लेट क्यों है तू बता। एक बार मैं ब्रेकफास्ट करके आगे का जर्नी शुरू करेंगे, फिलहाल हम खाने वाले अभी पूड़ी। भैया देखो कितना प्यार से पूड़ी बना रहे हैं। भैया एक मिठाई देना मेरे को, रसगुल्ले, रसगुल्ले के साथ खा के मज़ा एक अलग है। तो रसगुल्ले खा रहे हैं और दो देना भैया, 2 रसगुल्ले के। सारे सले सब्जी नहीं खाते, पहले पूड़ी खाया जाता है। सुबह सुबह यही दर्शन होना बाकी रह गया था, जस्ट ना निकले थे, बारिश का सामना करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा आएगा तो फिर हमें रुकना पड़ेगा। और आज साइकिल चला के इतना मज़ा आ रहा है ना, लोगों की आंखें खुली के खुली ले जा रहे हैं हमें देख के। ओह ये जो झंडा है ना, ये लहराने के बाद ना दिल को काफ़ी संतुष्ट फील होता है। इस साइड को खेती बाड़ी चल रहा है, हल्का फुल्का बारिश में ना ये पेड़ पौधे कितना प्यारे दिखाई देते हैं यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, अमरनाथ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बोलबम के यात्री मिल रहे हैं यार, अपने को भी बोलबम में जाने का मन था, बट क्या करे, जिस दिन मैं घर से निकल के आया हूँ ना उसी दिन बोलबम का यात्रा शुरू हुआ है। मैं मंडे को निकल के आया था और संडे से यात्री जाते हैं रात को, और रात को जल ला के सुबह शिव जी के माथे पे चढ़ाते हैं। लो भाई आप सभी को एक खुशखबरी देने वाला हूँ, ओ माय गॉड, इस खुशखबरी के लिए ना मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, एंड आप सभी को बहुत 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 बधाई हो बॉयज। ये चेक करो हमारे इंस्टाग्राम है ये, और मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, और ये चेक करो बॉयज, अभी अभी हमारे इंस्टाग्राम पे 5 लाख फैमिली मेंबर हो चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। यहाँ से नज़ारा कितना प्यारा दिख रहा है बॉयज, और यहाँ से एग्जैक्टली कितने किलोमीटर बाद बिहार है? 2 किलोमीटर मात्र। अभी फिलहाल हम बंगाल में, उसके बाद फिर बिहार एंटर करेंगे, फिर से हम बंगाल एंटर करेंगे। वाह क्या सीन है। बाकी ये जो 3 भाई लोग हैं ये मेरे वीडियोस देखते हैं, तो भाई सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से हो? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से? वाह, किशनगंज से। बहुत किशनगंज, हम किशनगंज हो गए तो जाएंगे। कितना होगा ऐसे किशनगंज? 1 किलोमीटर। इस यात्रा के 30 रुपए स्टेट में आप सबको स्वागत है भाई, अपन एंटर हो चुके हैं बिहार। कितने सारे बोलबम के यात्री जा रहे हैं, बोलबम बोलबम, मज़ा आता है यार ऐसे बाइक उक ले जाने का एक फील है ना, वो भी अलग है, और अपने जैसे साइकिल लेके जाने का फील भी अलग है। हमें खाना चाहिए अभी केक, बट अपन खा रहे हैं अभी चावल, ये हमारे लिए केक है। और ब्रो तुम्हारे भाई के हो चुके हैं क्या? कांग्रेचुलेशन ब्रो, साले तेरे मुँह में चावल है इसलिए सही से आया भी नहीं ऊपर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, अभी फिलहाल खाना खाएंगे, उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। बिहार में एंटर करने के बाद ना बॉडी को कुछ भी हो रहा है गर्मी के मारे। खाना खाने के बाद ये चेयर में जो बैठा है ना, यहाँ से अभी उठने का मन ही नहीं कर रहा, बट क्या करूँ, निकलना तो है आगे। ये रहा साइकिल, हमने यहाँ पे रख दिया था टीना के नीचे, क्योंकि धूप पड़ेगा तो प्रेशर पड़ता है, टायर फटने का चांसेस रहता है। लास्ट टाइम हमारा फट चुका था इसलिए हमें पता है। और इधर बहुत सारे भाई लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, ये आगे मेन कारीगर है, इन्होंने क्या स्वादिष्ट खाना खिलाया, थैंक यू। ये आगे का मंदिर देख के ना सिर्फ देखने को ही मन कर रहा है, इतना प्यारा से बनाया गया, पूरा वाइट एंड लाइट ग्रीन टाइप का लग रहा है, और ऊपर को गोल्डन गोल्डन है। इस तरफ भी बहुत सारे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कान की धाम, काफ़ी सारे यात्री दर्शन लेने के लिए आ रखे हैं। यार अचानक से हमें तो पता भी नहीं था इस जगह पे इतना प्यारा मंदिर है, तेरे को पता था? हाँ इसलिए तुझे बुलाया ना। साड़े मैंने बोला तेरे तो दर्शन लेके आते, देख रहे भाई देख रहे, सिर्फ अपना ही तरफदारी करता है।
कितना साफ सुथरा करके रखा गया है। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मतलब कुछ अगर आपके हाथ में बोतल वगैरह रहेगा ना, या तो बैग में डालो, आपके पास बैग है, नहीं तो कचरे के डिब्बे में डालो, ये बहुत सही है। मंदिर का चारों राउंड हम घूम लिए, मज़ा आया काफ़ी। अभी हमें आगे का डिस्टेंस भी कवर अप करना है, इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा। ये देखो मैं पास से आपको दिखाई दो, कितना प्यारा है ये डिज़ाइन किया गया है। मैंने बोला था ना आपको व्हाइट एंड ग्रीन के अंदर को शेप है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब यहाँ से निकलेंगे, निकल के कितना डिस्टेंस कवर करना है ब्रो? 20 मात्र 20 किलोमीटर लगा देंगे। चलो बेटा दो घंटे में पहुँच जाएंगे। 5 बज गया? अरे नहीं यार, 1 घंटे में पहुँचना है। 6 बजे तक उधर पहुँच के फिर रहने का जगह भी जुगाड़ करना है। हर जगह ना एक अलग अलग दृश्य बनाया गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। वो एक बंदा दूर से दौड़ते दौड़ते आ रहा है हमारे लिए। ऐसे भी हमें जो भी बुलाता है हम रुक जाता है। इतना दौड़ दौड़ के क्यों आ रहा है भाई? मैं बिग फैन। अरे यार कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा बिग फैन मत बोलो यार। तुम्हारा वीडियो देख के आया। थैंक यू। कहाँ पे देखे थे? घर में देख रहा है, यूट्यूब में। ओ माय गॉड, थैंक यू ब्रो। आ जाओ। थैंक यू ब्रो, आ रहे हो तुम भी ब्लॉग में आ रहे हो, ठीक है। चलो कहाँ से हो तुम? यहीं से हो? बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया भाई। अभी ब्लॉग देख के आ रहा है उधर से। एक सेल्फी रुको। ओके पक्का। गर्मी के कारण ना सांस काफी ज्यादा फूलता है यार। यहाँ से मात्र और 2 किलोमीटर है जहाँ पे आज हम रुकेंगे। एग्जैक्टली हमें रुकने का वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता है नहीं। वहाँ पे तक अभी परमिशन लेना पड़ेगा। कल जिस मंदिर पे हम रुके थे वहाँ पे तो तुरंत हमें परमिशन मिल चुका था, बट यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। और अभी देखो अंधेरा हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। स्काई बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं यार देख के, ऐसे फ्लाईओवर के ऊपर से। फाइनली गाइस हमें रहने के लिए इजाज़त मिल चुका है। हमारे साथ और 2 भाई रहेंगे जो कि इसी मंदिर पे रहने के लिए आए। वो लोग रह के बेसिकली यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं। इधर 2 बेड है, 2 बेड में दोनों भाई सोएंगे और मैं और अपना भाई इधर को सोएंगे। इधर को मस्त अपना मैट बिछा के, ये रहा अपना मैट। मैट वगैरह हम इसी काम के लिए लाते हैं, बाकी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जय श्री राम लिख के बताना जरूर। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक हिट कर देना, और आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। चलो बॉयज एंड गर्ल्स, जय हिंद जय भारत, हर महादेव।